हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी स्टोरी। दोस्तों, देम एक इंग्लिश सीरीज है जो कि अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुई है और ये एक खूबसूरत भूतिया सीरीज है। अब आप बोलेंगे कि खूबसूरत भूतिया सीरीज क्या होती है। ये दोस्तों एक खूबसूरत सीरीज इसलिए क्योंकि इसका एक एक फ्रेम ब्यूटीफुल है। इट इज वेल डायरेक्टेड, वेल एक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेरी वेल रिटन बाय लिटिल मार्वल एंड लीना वेथ। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि एक्चुअली आई एम कम्प्लीटली सरप्राइज विद अ न्यू ब्लेंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड हॉरर है। बिल्कुल अनयूजुअल है। द सीरीज एड्रेसेस कौन बड़ा हॉरर है दोस्तों, ज्यादा खतरनाक चीज क्या है, इंसान के घोस्ट। लेट्स फाइंड आउट। देम सीरीज की जो कहानी है दोस्तों, बहुत गहराई से लिखी गई है और ये सेटअप है 1950s में और ये डिस्क्राइब करता है वो एरा जब काफी सारे ब्लैक माइग्रेट हुए थे। ग्रेट माइग्रेशन इसको बोला गया था, फ्रॉम साउथ टू वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ यूएस। तो हम देखते हैं स्टोरी के अंदर एमरी फैमिली जो है वो मूव करते हैं ईस्ट कॉम्पटन कैलिफोर्निया के अंदर, जहां हेनरी को एक नई जॉब मिल जाती है और वो अपनी वाइफ और बच्चे लिविया यानी उसके दो डॉटर रूबी और ग्रेसिया के साथ एक ऐसे नेबरहुड के अंदर आ जाता है जहां वो आउटकास्ट कहलाया जाता है क्योंकि सारा नेबरहुड जो है वाइट से भरा हुआ है और नेबर्स की जो बेरुखी है बड़ी क्लियरली एविडेंट हो जाती है डे वन से। नेबरहुड सब वाइट लोग हैं, स्पेसिफिकली बेटी वेंडल तो बिल्कुल नहीं चाहती है जो उसकी इमीडिएट नेबर है कि वो लोग कहां रहे और कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होता रहता है उनको भगाने के लिए। मीनवाइल उनके नए घर के बेसमेंट के अंदर भी कुछ हॉन्टेड है। बेसिकली एक ओल्ड मिस वेरा है, एक स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर है जिसकी आत्मा वहां पर होती है जो सिर्फ बच्ची ग्रेसी को दिखती है, लेकिन वो एक्चुअली में एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है जो उसकी बुक में था। तो ये अचानक से ये भूत की फॉर्म कैसे ले लेता है उसके लिए दोस्तों आपको सीरीज देखनी होगी। द फैमिली नाउ हैज टू फाइट विद द डेली डिस्क्रिमिनेशन। नेबरहुड में भी हो रहा है, उसके ऑफिस में भी हो रहा है हेनरी के, और जो रूबी के स्कूल में हो रहा है उसके अंदर हर जगह पे उसको डिस्क्रिमिनेशन का जो है सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ में उसको हॉरर का भी सामना करना पड़ रहा है जो कि घर में चल रहा है। और ऊपर से स्टोरी इतनी स्मार्टली वीव ऑन करी गई है कि इन सबके जो पास्ट हैं वो भी थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं तो वो उनको हॉन्ट कर रहे हैं। हॉन्ट यहाँ पर दोस्तों आपको लिटरली नहीं लेना है, बट जब आदमी मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि उसको हर चीज़ में कुछ ना कुछ खौफ नजर आ। फॉर एग्जाम्पल हेनरी का खौफ कुछ और है और लिविया का खौफ कुछ और है, वो जो कि इग्नाइट हो जाता है कुछ चीजों को देख के। नाउ विल दे बी ब्रेव एनफ टू फाइट बोथ द इविल्स, व्हाइट नेबरहुड को भी और भूत को भी, उसके लिए तो देखो दोस्तों आपको सीरीज देखनी होगी। What you will love in this series is, दोस्तों मैं आपके लिए simplify कर देता हूँ, great character development, their pain, their behavior, but most importantly जो उनका mind space है, मनोदशा है, detail के अंदर explain करी गई है। यहाँ director की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी होगी, उसने हर character के ऊपर एक ज़बरदस्त काम किया है और उसका जो behavior जो है past से कैसे जोड़ा है बहुत amazing है। आप और मैं तो दोस्तों थोड़े से privileged type हैं जिन लोगों को color और race के हिसाब से discrimination feel करनी पड़ती है, बुरा behavior देखना पड़ता है, वो काफ़ी मानसिक तनाव से गुजरते हैं और उनकी मनोदशा काफी गंभीर हो जाती है। इस सीरीज के अंदर हेनरी और लिविया का जो पास्ट है ब्लैक होने की वजह से काफी ज्यादा हॉन्ट करता है, एंड आई वाज टोटली इन्वेस्टेड इन देयर कैरेक्टर्स, जो कि एक अच्छी बात है। सेकंडली 1950s का जो टाइम दिखाया गया, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो, कार हो, घर के इंटीरियर्स हो, वॉलपेपर हो, इवन टेलीफोन का स्टाइल हो या अप्लायंसेस की शेप एंड फॉर्म हो, वो बहुत ब्रिलियंटली डिटेल्ड आउट करी गई है एंड यू आर ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्टेड इन दैट एरिया। फर्दर दोस्तों सीरीज के अंदर मुझे ऐसा लगा कि जो इतनी भी रॉन्ग डूइंग है जो घोस्ट करता है और वो कैसे जो मिस डूइंग्स हैं वो नेबर की मिस डूइंग्स से कंफ्यूज कर दी जाती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये हॉन्टेड स्पेस के अंदर है कि ये किसी नेबर ने कुछ चालाकी करी है, वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। हॉन्ट एज अ वर्ड को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया गया। इट इज अ हॉन्ट फ्रॉम द भूत, जैसे मैंने बोला, या हॉन्ट फ्रॉम द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल और उनकी कोई रॉन्ग डूइंग है, वो बहुत स्मार्टली इंटीग्रेट किया गया स्टोरी के अंदर। एक और चीज जो आप नोटिस करोगे इसके अंदर दोस्तों, वो है कि भूत को लिमिटेड डार्क सिल्वेट्स के अंदर दिखाया गया है और जो आपको थोड़े से चिल्स देते हैं। इट इज नॉट दैट स्केरी बट इट गिव्स यू गूज बम्स, बेसिकली अ राइट डोज ऑफ जो टेरर होना चाहिए, बिकॉज जो मुद्दा यहाँ पर लार्जर है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का है, जो कि अच्छी बात है। और जो कलर ग्रेडिंग का तो इस्तेमाल हुआ है कि जैसे ब्राउन और येलो कलर जो है ब्लैक फैमिली के लिए यूज हुए हैं और व्हाइट फैमिली के लिए यूज हुए हैं लाइट पेस्टल कलर, मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं कि ब्लैक की जो जिंदगी होगी उनकी जो लाइफ होगी थोड़ी ग्लूमी होगी, तो इस तरीके के डार्क कलर यूज करें और साफ सुथरी सी लाइट पेस्टल कलर्स की लाइफ होगी व्हाइट पीपल की, वैसा यूज किया गया। और सडन जब ग्रेडिंग चेंज होती है रेड से तो आपको समझ में आ जाता है कि कुछ ब्रूटल होने वाला है। तो जो सेंसिबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, इवन बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ज्यादा सॉलिड है, जो यूज ऑफ म्यूजिक है बहुत इंटेलिजेंटली किया। जब सीन चल रहा होता है और बैकग्राउंड म्यूजिक में एक ओल्ड गाने चल रहे होते हैं, वो बेसिकली स्टोरी को आगे लेके जा रहा होता है या फिर किसी कैरेक्टर की मनोदशा को डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो बहुत इंटेलिजेंटली वीव्ड इन है।
ओवरऑल बेसिस पे दोस्तों मैं तो इस सीरीज से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। ये काफी ज्यादा क्रिएटिव सीरीज है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा लेयर्स हैं जो आपको अनफोल्ड करनी पड़ती है, जिसको आपको काफी ध्यान से देखना होता है और आपको इसको समझने के लिए भी काफी ज्यादा मेजोरिटी की जरूरत होती है, नहीं तो ये आपको स्लो लग सकती है। सो फॉर मी इट इज अ ए प्लस सीरीज, इट इज नॉट हाईली रिकमेंडेड बट इट्स अ मस्ट वॉच। सी यू सून विद अनदर रिव्यू वेरी सून। इट्स टाइम टू से गुड बाय फॉर नाउ। बाय।